कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ MF इंग्लिश सेंटर से। तो आज का जो पर्पस है वीडियो बनाने का, वो ये है कि बहुत से बच्चे इस बात को लेके सोच रहे हैं कि अगर वो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो कैसे पढ़ें। और दूसरा ये है कि MF इंग्लिश सेंटर ने जो है क्या फीस रख दी है इंग्लिश की, जो हमारी क्लासेस जो हम कंडक्ट कर रहे हैं ऑनलाइन। तो आज जो है हम इन तमाम बातों पर खुल के बात करेंगे और मैं आज आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप जो है ऑनलाइन जो है वो इजीली पढ़ सकेंगे और बगैर किसी फीस के। क्योंकि आप लोग जानते हैं कोरोना वायरस का जो ये एरा चल रहा है, इसमें जो है कोचिंग सेंटर जो है बहुत फीसें ले रहे हैं और बच्चों के जो है बहुत हद तक डाउट भी क्लियर नहीं हो पा रहे हैं और जो है वो उनकी प्रॉपर जो है वो शिरकत नहीं हो रही है लेक्चर्स में भी। तो वो चाहते हैं कि उन्हें ऑनलाइन ऐसे सोर्सेस मिले जहां से उन्हें वक्त बाय वक्त जो है वो अपडेट भी हो सकें और वक्त पर जो है वो अपने क्लासेस को भी कंडक्ट कर सकें। तो आज जो है हम उस मुतालिक बात करेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हम ये बात करेंगे कि क्या MF इंग्लिश सेंटर ने जो है वो फीस रख दी है और अब वो फीस लेगा ऑनलाइन पढ़ाने की या नहीं। तो चले आ जाए उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो है मैं MF इंग्लिश सेंटर का जो है आपको तारुफ करा देता हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं MF इंग्लिश सेंटर जो है काफ़ी अरसे से आप लोगों को इंग्लिश के लेक्चर जो है वो प्रोवाइड कर रहा है और आपको जो है इंग्लिश के जो बेस्ट लेक्चर जो होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो बहुत से बच्चों का ये सोचना है कि शायद MF इंग्लिश सेंटर ने जो है वो फीस रख दी है जिसकी वजह से जो है हमें लेक्चर नहीं मिल पा रहे हैं। तो देखें, ऐसा कोई नहीं है, हमने कोई भी फीस नहीं रखी है। हम जानते हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस हैंगे और फाइनेंशियल क्राइसिस के साथ साथ हेल्थ क्राइसिस भी हैंगे। तो हम इस वक्त में जो है फीस बिल्कुल भी नहीं रख सकते हैं, बच्चों पर बिल्कुल भी बर्डन नहीं डाल सकते हैं। तो फीस हमने कोई भी नहीं रखी है। असल में मसला कुछ ये हो रहा है कि आप लोग जो है वो चैनल की प्लेलिस्ट विजिट नहीं करते हैं, आप चैनल विजिट नहीं करते हैं जिससे जो है आपको लेक्चर नहीं मिलते हैं। तो अगर आपको लेक्चर मिलने में कोई भी क्यूरी हो रही है, कोई भी डिफिकल्टी हो रही है, तो सबसे पहले जो है आप चैनल विजिट करें, उसके बाद जो है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा और हमने अभी जो है वो कोई भी फीस नहीं रखी है। अगर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी जो YouTube फैमिली है वो 2500 से ऊपर जा चुकी है, तो फीस अगर हम अभी भी रख दें तो हमारे पास काफी जो है अर्निंग हो सकती है जो कि कम से कम भी 40-50 हज़ार रुपये के अंदर जा सकती है। लेकिन अभी हम ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि हम कोई फीस रखें जिससे जो है बच्चों पे एकदम से बर्डन पड़े। इंशाल्लाह अगर फीस का कुछ भी होगा या कोई भी हमारी जो डिस्कशन होगी तो उससे पहले हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे और साथ ही साथ हम कोई ऐसा क्राइटेरिया भी बनाएंगे जिससे जो है पढ़ने वाले स्टूडेंट जो ध्यान लगा के पढ़ते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ सकें फीस के दौरान भी। तो अभी कोई फीस नहीं है। आज बात कर लेते हैं इस बारे में कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो कैसे पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट, ऑनलाइन पढ़ना जो है वो बहुत आसान है। अगर आप कोचिंग से पढ़ रहे हैं, अपने किसी कोचिंग से पढ़ रहे हैं, आप उस सर के साथ जिससे पढ़ते आए हैं तो आप उससे जो है यूज टू हैं, आप उसको समझते हैं। लेकिन ऐसे ही आप अगर किसी यूट्यूब चैनल पे चले जाएं तो जैसा कि आप एक यूट्यूब चैनल पे जाते हैं आपको एक टॉपिक मिलता है, आप दूसरे यूट्यूब चैनल पे जाते हैं आपको दूसरा टॉपिक मिल जाता है। तो ऐसे बात नहीं बन पाती है, हर टीचर के समझाने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। तो अगर मैं आपको एक ऐसा जो है चैनल बता देता हूँ, एक ऐसी साइट बता देता हूँ जहाँ पर अगर आप जाएं, चाहे आप बलूचिस्तान के बोर्ड से पढ़ रहे हों, मीरपुर खास के, कराची के, सिंध के, हैदराबाद के, किसी भी बोर्ड से आप पढ़ रहे हों, आपको वहाँ पर 15,000 से ज़्यादा जो है वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे जहाँ पर आप इजीली पढ़ सकते हैं। चाहे आप फिजिक्स की तैयारी करना चाहें, मैथ की तैयारी करना चाहें, या उर्दू की तैयारी करना चाहें, या केमिस्ट्री की तैयारी, या बायोलॉजी की, तो आपको बेहतरीन उस्ताद जो है, जो कि एजुकेटर और बड़े बड़े नामी ग्रामीण स्कूलों में पढ़ाते हैं, वो उस्ताद जो है आपको ईजिली जो है आपको उधर मिल जाएंगे सबक पर, और एक ही उस्ताद से आप सारे लेक्चर देख लेंगे वन बाय वन। तो साइट का जो नाम है वो है सबक फाउंडेशन, जैसा कि आप जानते होंगे। अगर आप इसे यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको इसके लेक्चर जो है वो बिखरे हुए मिलेंगे, कोई प्लेलिस्ट नहीं मिलेगी, आपको अलग अलग लेक्चर मिलेंगे। लेकिन अगर आप जाते हैं गूगल पर और सबक फाउंडेशन पे जाते हैं तो वहां पर जाके आप उसके जो है वो साइट विजिट करें, आपको मालूम हो जाएगा कि आपकी फर्स्ट ईयर की जो फिजिक्स है उसके जितने भी टॉपिक हैं उस पर आपको तमाम लेक्चर मिल जाएंगे। और मैं इंशाल्लाह आपको ये गारंटी से बात कह रहा हूँ कि अगर आप सबक फाउंडेशन से पढ़ते हैं तो आपको जो है वो बहुत अच्छा लगेगा। और MF इंग्लिश सेंटर जो है वो आपको इंग्लिश जैसे कि पढ़ा रहा है तो वैसी ही पढ़ाता रहेगा। और सबक फाउंडेशन के साथ साथ जो है मैं थोड़ा सा MF इंग्लिश सेंटर को भी डिफाइन कर देता हूँ कि MF इंग्लिश सेंटर जो है आपको इंग्लिश के जो है वो तमाम जो जितने भी हमारे सब्जेक्ट है जिस क्लास से भी हो वो प्रोवाइड करेगा इंशाल्लाह।
और हमारा जो काम है वो जारी है, और हमें काफ़ी जो है बच्चों की सपोर्ट मिली है और काफ़ी लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, काफ़ी लोग हमें जो है मैसेज करते हैं, लेकिन हम उसे पब्लिक नहीं कर सकते उन मैसेजेस को। तो जिन मैसेज को हम पब्लिक नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम उन लोगों का रिप्लाई नहीं करना चाहते हैं या उन लोगों की बात हम तक पहुँचती नहीं है। आपकी बात हम तक और मुझ तक जो है वो पहुँच जाती है, लेकिन एक वक्त पर और एक ख़ास टाइम पर रिप्लाई अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम रिप्लाई करते हैं, क्योंकि मुझे जो है वो रोज़ के सैकड़ों मैसेज आते हैं, तो हर मैसेज का रिप्लाई वक्त पर करना तो मुश्किल होता है, तो इसीलिए मैं मैसेजेस देख लेता हूं। तो आप लोग जो है मुझे मैसेजेस व्हाट्सएप पे भी करते रहा करें और इस पे भी करता रहा करें, और जो भी फीस को लेके परेशान हैं या क्यूरी है उसके दिमाग में कोई भी, तो वो निकाल दीजिए। हम कोई भी फीस नहीं रख रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपको पढ़ा रहे हैं। तो इसी तरह से आप लोग तैयारी करते रहिए और तैयारी करके जो है अच्छे से अच्छे नंबर जो है अपने बोर्ड के एग्जाम में हासिल कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई क्यूरी डिफिकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज करके मुझसे रब्ता करें, या फिर व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा उससे जो है मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।